हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो गाइज, टेक महिंद्रा ने भी विप्रो की तरह अपने जो भी एम्प्लॉय हैं उनको टर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। और उन्होंने अपने असेसमेंट प्रोसेस में चेंज किया है सो दे कैन टर्मिनेट ईच एम्प्लॉय और ईच फ्रेशर। सो गाइज, जो भी अभी मैं आप लोगों को कुछ पहले विप्रो का टर्मिनेशन का जो भी था, उनका जो ट्रिक था वो मैं बताया था, उसी तरह का टेक महिंद्रा ने भी अपने लिए एक नया ट्रिक ला दिया जिसके थ्रू अपने फ्रेशर्स को, एम्प्लॉय को वो टर्मिनेट कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की चीज़ें अभी फिलहाल देखने को मिल रही हैं 2023 में, जो कि आपको सबको पता है पल्स रिसेशन भी चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी कंपनीज हाउ दे टर्मिनेट आवर एम्प्लॉय। तो हम आपको पूरे डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सही सही हर चीज़ में जानकारी मिल सके। टेक महिंद्रा में अगर आप भी फ्रेशर्स के तौर पे आप ज्वाइन करना करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप सबको पता है कि मैं कुछ दिन पहले विप्रो पे वीडियो बनाया था जिसमें विप्रो एक नए तरीके से अपने एम्प्लॉय को, अपने फ्रेशर्स को टर्मिनेट कर रही थी। तो उसी तरह का तरीके से एक टेक महिंद्रा ने भी अपने लिए एक न्यू ट्रिक अपनाया हुआ है जिसके थ्रू वो भी अपने जो भी उनकी एम्प्लॉय है उनको टर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। पहले उनका ये था कि पहले वो असेसमेंट का जो भी उनका तरीका था वो अलग था, लेकिन अब जो भी असेसमेंट क्राइटेरिया उनका हर चीज़ चेंज कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं जो भी उनका असेसमेंट प्रोसेस है वो चेंज कर दिए हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉय फ्रेशर्स को टर्मिनेट कर सकें। उनका भी जो भी इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, तो टेक महिंद्रा जो है अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चेंज किया है। उसमें क्या कर रहा है कि पहले आपको फर्स्ट 6 मंथ आपको 9K पे करेगी और उसके बाद से ना आपको उसके लिए आप 9K देने के बाद वो क्या करेगी, अपने जो भी हायर जो भी उनकी फ्रेशर्स होंगे उनको हायर करेगी और ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग देने के बाद जब 6 महीने आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर देंगे उसके बाद वो परफॉर्मेंस देखेगी आपकी, और अगर परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो आपको वो रखेगी, नहीं तो आपको वो डिसाइड कर देगी कि आपने एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया है सो मैं आपको अपने कंपनी में आप एम्प्लॉय के तौर पर नहीं रख सकता हूँ, और आपको टर्मिनेट कर देंगे वहाँ से। जबकि ये सारे चीज़ें जो थी टेक महिंद्रा के साथ पहले नहीं था, ये कुछ दिनों से अभी हुआ है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं, आप विप्रो को मैं बताया था कि उनका भी ऐसे तरीका था कि ट्रेनिंग देना, अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जबकि ऐसा पहले कुछ नहीं था, आप पहले आप लोग इजीली आप लोग एम्प्लॉय के तौर पर आप वर्क करते थे विप्रो में, टेक महिंद्रा में और जो भी कंपनियाँ हैं। लेकिन ये सारे चीज़ें अभी टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। और इसमें जो है आपका जो भी इसमें मैं अभी देख रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है कि विप्रो हायर्स एम्प्लॉय थ्रू द रिगोरस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, पुट देयर बेस्ट एम्प्लॉय टू टेक द इंटरव्यू फॉर फ्रेशर एंड आफ्टर फ्यू मंथ डिक्लेयर एज अ कैंडिडेट अंडर परफॉर्मर एंड रिमूव देम फ्रॉम द कंपनी। तो इस तरीके से विप्रो के साथ हो रहा है, उसी तरीके से आपका टेक महिंद्रा भी ले रही है जो कि मैंने आप लोगों को बताया अभी। तो आप लोग के लिए आप लोग बताइए कि इज दिस नॉट एक्सप्लोटेशन ऑफ फ्रेशर्स, क्वेश्चन मार्क है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने लोग पास पहुंचेगा, जिससे कि उनका हायर अथॉरिटी पर जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो जितने वीडियो को शेयर करेंगे, जितने लोग देखेंगे, उससे उतने जल्दी ज़्यादा चांसेज है कि ये वीडियो जो भी टेक महिंद्रा में वर्क, जो भी टेक महिंद्रा कंपनी उनके पास जो भी CEO वगैरह होते हैं शायद उनके पास पहुँच जाए। तो इस तरह के जो भी हैं फिलहाल जो एजेंडा है वो चलाए जा रहे हैं, तो मैंने बताया ताकि आप लोग भी समझ सकें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनके पास भी पहुँचे। तो चलिए फिर से आपसे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।